टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मध्य प्रदेश के देवास जिले में अजीबो गरीब वाक्य सामने आया है। यहाँ के किसानों ने अनूठे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने प्याज और लहसुन की शव यात्रा निकाली है। इस शव यात्रा में युवा किसान संगठन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। उन्होंने प्याज और लहसुन के उचित दाम नहीं मिलने पर जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि हमें हमारी फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है, अगर हमें आत्महत्या करनी पड़ी तो उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन ही होंगे। दरअसल सही दाम ना मिलने से देवास के किसान भड़के हुए हैं। हर किसान परेशान नजर आ रहा है। ऐसे में किसानों को प्याज और लहसुन की फसल से कुछ उम्मीद थी, लेकिन जब उनके दाम भी सही नहीं मिले तो किसानों का सब्र जवाब दे गया। नाराज किसानों ने युवा किसान संघ के नेतृत्व में स्थानीय भोपाल चौराहे से कलेक्टर कार्यालय तक लहसुन व प्याज के कट्टे रखकर उनकी शव यात्रा निकाली। इस दौरान कई किसानों ने गले में प्याज और लहसुन की माला भी पहनी थी। के दौरान किसानों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर चेतावनी भी दी। उन्होंने प्रशासन से फसलों का उचित दाम देने की मांग की। वही प्रदर्शन कर रहे राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला अध्यक्ष गगन सिंह पटेल ने कहा कि हमारे देश एक कृषि प्रधान देश है। इस देश में हम हमारी फसलों को बच्चों की तरह रखते हैं, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमें इन्हीं फसलों को कंधे पर उठाकर शव यात्रा के रूप में भोपाल चौराहे से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक आना पड़ा है। साथ ही पटेल ने कहा कि हमारी फसलों का हमें सही दाम नहीं मिल रहा है, हमने जो लागत लगाई वह भी नहीं निकल पा रही है। उचित दाम नहीं मिला तो आने वाले समय में किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। साथ ही किसानों ने कहा, हम चाहते हैं कि सरकार लहसुन और प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करे और अन्य सब्जियों के दाम भी फिक्स करे। हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम वोट की चोट करेंगे। सरकार को 2023 में हार का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान उपस्थित हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।